हे व्हाट्सअप गेमर्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय अनदर न्यूज़ ऑफ पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 4। आज हम लोग बात करेंगे भाई नाइटमेयर क्रिएटर्स के बारे में कि कौन कौन जो है हमारे पास नए क्रिएटर्स आने वाले हैं। बिना तुम्हारे टाइम वेस्ट किए वीडियो करता है स्टार्ट। वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो आज हम लोग अपने जो है नाइटमेयर क्रिएटर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा पहला नाइटमेयर क्रिएटर्स बाबा चॉप्स। तुम लोगों को पता होगा जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसकी जो डिटेल्स निकल के आई हैं वो ये है, द ब्लैक शीप ऑफ द बंच बाबा प्रेफर्स टू कीप हर स्पेस लाइक अ लॉट ऑफ स्पेस, टू मच स्पेस शी कैन बी डिस्टेंट क्विट लो एनर्जी एंड इट यूजली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्विक्सिंग टू गेट हर आउट ऑफ द हाउस। तो बाबा चॉप्स की जो डिटेल्स हैं वो ये है कि भाई ये एक फीमेल करेक्टर है, फीमेल नाइटमेयर क्रिएटर है और इसकी जो सेंट है वो है एनिस या एनाइस, पता नहीं यार मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ नहीं। तुम्हें अगर पता है सेंट के बारे में तो ज़रूर बताना। आई डोंट नो कि भाई मैं सही बोल पा रहा हूँ नहीं, सॉरी इसके लिए। किसी भी नाइटमेयर क्रिएटर का इंट्रो पढ़ लो, वो एग्जैक्ट नहीं होता शायद, यार मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, अब ये तो जो है इनको पता होगा ज़्यादातर जिन्होंने ये बनाया इस क्रिएटर को, यानी कि मॉब एंटरटेनमेंट को। तो लेट्स कंटिन्यू, हम लोग खैर कंटिन्यू करते हैं अपने बाबा चॉप्स को। तो बाबा चॉप्स को ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है जो कि इसमें लिखा हुआ है, और ये एकदम जो है भयानक किस्म का जो है ये क्रिएटर है, और ये जो है मौत को जो है, यानी इसका वही काम है जो कि हमारे पास चैप्टर 3 में जितने भी क्रिएटर्स थे, तुम्हें पता होगा ये जितने भी थे हमारे पास, डॉग डे और ये कैटनेप का भी क्रिएटर था जो कि यही करते थे कि हमें मारने की कोशिश करते थे। तो ये भी जो है भयानक तरीके से हमें मारने की कोशिश करेंगे। और इसके जो तुम लोग देखो लॉकेट में जो इसका जो लोगो है ना, वो एक स्कल है जो कि साफ साफ हमें ये बता रहा है कि ये हमें बहुत ज़्यादा इस पूरे गेम का जो मेन जो विलेन के बाद जो शायद जो एनिमी होने वाला है या मॉन्स्टर जिसको कह लो होने वाला है, वो यही होने वाला है बाबा चॉप्स। तो हम लोग चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्रिएटर के पास जो कि है, ओके गाइस, तो हमारे जो नेक्स्ट क्रिएटर है उसका नाम है इकी लिकी। इकी लिकी की अगर तुम लोग जो है ये डिटेल्स पढ़ो तो इकी इज़ द टाइप ऑफ किड टू फॉल बिहाइंड अ रिले रेस एंड इमिडिएटली पिन इट ऑन सोर नी। अब इसके बारे में अगर तुम लोग देखो तो ये जो क्रिएटर है ये नाइटमेयर क्रिएटर, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है और इसकी सेंट जो है वो है कॉफ़ी, जो कि हम सबको पता है। तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि इट्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ अ पुअर स्पोर्ट, इवन दो ही इज़ नेचुरली टैलेंटेड ही इज़ कंस्टेंटली चैलेंजिंग एवरी वन ऑन एब्सोल्युटली एवरी थिंग एंड यूजली विदाउट द आउटकम ही एक्सपेक्ट्स, डोंट वरी ही हैज़ एन एक्सक्यूज रेडी। तो तुम लोग ने देखा होगा इसके बारे में जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये वही बात है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है, यानी इससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ये इकी लिकी से। और इसके भी लॉकेट में अगर तुम लोग देखो तो कुछ सिंबल्स या कोई एक सीक्रेट सी, इसका जो लॉकेट है ये बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा है देखने में भाई। तो इसकी डिटेल्स हमारे पास ये निकल के आई हैं, और इसी के साथ चलते हैं हम लोग अपने जो है थर्ड नाइटमेयर क्रिएटर के पास। ओके गाइज, इसी के साथ हमारा जो तीसरा और थर्ड नाइटमेयर क्रिएटर निकल के आता है उसका नाम है रैबी बेबी। रैबी बेबी की डिटेल्स ये हैं कि रैबी बेबी कुडेंट कीप अ सीक्रेट इफ़ हर लाइफ डिपेंडेड ऑन इट, इफ देयर वन थिंग इन द वर्ल्ड शी लव इट्स गॉसिपिंग एंड शी इज़ वेरी प्रैक्टिस एट इट। इसके बारे में यही है कि इसकी जो डिटेल है, इसकी लाइफ का एक ख़ास मकसद है और वो है गॉसिप करना। अगर इससे कुछ अपनी लाइफ में प्यारा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गॉसिप्स है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जब हमारे इससे सामना होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इससे शायद बात करनी होगी कुछ तो इसके साथ। जैसे तुम लोगों को याद होगा पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 में मिस डिलाइट के साथ हमारे पास ये था कि हमें उनको देखना होता था, उसको देखना होता था, जब हम लोग उसको नहीं देखेंगे तो वो हम पे अटैक करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका शायद जो ये गॉसिप का जो सीन है, गॉसिप का जो इसके अंदर जो इसका जो पसंद है मकसद, इसके लिए हमें यही होगा कि हमें इसके लिए गॉसिप करनी होगी, और इसके लिए प्राइवेसी या बाउंड्रीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इसकी सेंट है बबल गम, बबल गम भी हम सब जानते हैं। तो ये आज हमारे पास 3 स्माइलिंग क्रिएटर्स निकल के आए हैं, बाकी के जैसे ही आएंगे मैं तुम लोगों को बताऊँगा। और इसके साथ हम लोग अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इनके लोगों में क्या ऐसा सीक्रेट है जो हमें देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात करते हैं इस नाइटमेयर क्रिएटर्स के लोगों के बारे में, जो कि सी जो हमारा पहला लेटर है।
तुम लोग अगर इसको देखो तो उसमें उसके मुंह से फायर निकल रही है, यानी वो फायर इसके पास पावर होगी कि वो फायर निकालता होगा, जो कि हमारा इसी पूरी जो है क्रिएटर्स में आने वाला है। बाकी आर और आई को अगर तुम लोग देखो तो वो वही है बाबा चॉप्स, उसके लॉकेट का वही स्कल यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है। बाकी टी और टी का मुझे नहीं पता, वो भी कुछ ना कुछ हो सकते हैं। ग्रीन वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आई थिंक सो कि मुझे ऐसा लगता है कोई एलिगेटर टाइप हो सकता है, जो कि मगरमच्छ के जैसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी ई को अगर तुम लोग देखो तो उसके ऊपर एक शार्क के जैसा है, जो कि शायद पानी में होने वाला है, और हमारा इस गेम के अंदर पानी में भी कोई काम हो सकता है जो कि वो हम पे अटैक करने वाला है। बाकी एस को अगर तुम लोग देखो, जो कि एस जो हमारा जो नाइटमेयर क्रिएटर होगा, उसके दो विंग्स है, जैसे बैट के विंग्स होते हैं, तुम लोगों को पता होगा चमगादड़ यानी बैट के जो विंग्स होते हैं, वो उड़ने की पावर होगी उसके पास, जो कि वो हम पे अटैक करने वाला है। तो गाइस तुम लोग मुझे बताओ बाकी के जो नाइटमेयर क्रिएटर्स है वो कौन होने वाले हैं कॉमेंट्स में जाके। तो आज के हम लोग इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। ओके गाइस, तो आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में हम लोग ने जो है नाइटमेयर क्रिएटर्स के जो क्रिएटर्स निकल के आए उनको डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी हो तो भाई कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना, और मुझे बताओ कि आगे और कौन कौन से क्रिएटर्स आने वाले हैं, कौन होने वाले हैं पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 4 का विलेन। तो वीडियो पसंद आई हो तो कर देना लाइक शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना। और हाँ, मॉब एंटरटेनमेंट को जाके जो है सब्सक्राइब कर लो, उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनको फॉलो कर लो, ताकि हम लोग अप टू डेट रहें इनसे और देखें कि भाई पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 4 के आगे और क्या क्या टीजर्स आने वाले हैं। मैं तुम लोग से मिलता हूँ किसी और गेम प्ले पे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।